आपके अपने चैनल जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं राजस्थानी चने के पापड़। जी हाँ, जो कि बहुत टेस्टी होते हैं, बनाने में भी मज़ेदार और खाने में तो गज़ब के टेस्टी होते हैं। आपको पता है इन पापड़ की लोइयाँ भी लोग खाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत टेस्टी लगती हैं। आप सोचेंगे लोई कैसे खाते हैं? जी हाँ, इसकी लोइयाँ भी बहुत पसंद करते हैं खाने वाले। तो फिर देर किस बात की, बनाते हैं, शुरू करते हैं पापड़ का प्रोसेस। और हाँ, एक बात और बता दूँ, इन पापड़ को हम सब तरह से खा सकते हैं। इसको तल सकते हैं, इसको सेक सकते हैं, इसकी चूरी बना सकते हैं, इसकी सब्जी बना सकते हैं, इसको कई सब्जियों में मिक्स भी करते हैं, मेथी पापड़ वगैरह। इस तरह बहुत सारी इसके उपयोग हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए आटा। ये आटा है पापड़ का आटा, और हम चने के पापड़ बना रहे हैं इसमें, इसलिए चने की दाल होगी और होगी उड़द की दाल। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आधी चने की दाल आधी उड़द की दाल, यानी आपको 200 ग्राम आटा है तो आपको 100 ग्राम चने की दाल और 100 ग्राम उड़द की दाल दोनों मिलाकर एकदम बारीक पीसना। ये देखिए एकदम बारीक पीसा हुआ है, बस ऐसा हमें बारीक पीसना है और ये हमारा आटा तैयार हो जाएगा, ये पापड़ का आटा। इसके बाद है इसमें हींग, ये हमने चौथाई चम्मच हींग लिए, और हींग इसमें थोड़ी तेज़ चाहिए तभी यह अच्छा लगता है। ये हमारा आटा है 150 ग्राम, और ये हींग है हमारी चौथाई चम्मच, और ये पापड़ खार ये हमने 1/4 चम्मच लिया है, जितना आटा उस हिसाब से। और नमक, नमक हमारा करीब 1/4 चम्मच है, और मिर्च, लाल मिर्च लेंगे हम 1/2 चम्मच। बस ये हमारे मसाले, इसी से हमारा शानदार राजस्थानी पापड़ बनने वाला है, हींग वाला। अब हम एक बड़े बाउल में इस आटे को हम ये खाली कर लेंगे, और इसमें अब डालेंगे हम ये हींग। ये हमने सारी हींग ले ली, और ये पापड़ खार ये इसमें हम डाला, ये हमारा ये 1 और ये 1/2 चम्मच, ये 1.5 चम्मच हमने पापड़ खार डाला है, जो आपको किसी भी दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। और ये हमारे ये 1/5 चम्मच इसमें नमक गया है, और ये 1/2 चम्मच इसमें हम लाल मिर्च ले रहे हैं। और लाल मिर्च अगर आप बहुत तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मिर्च अगर बढ़ाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप नमक भी थोड़ा सा बढ़ा देना। और ये हमारा तैयार है, अब हम इसको गूंदेंगे। और इसके लिए हमें चाहिए पानी, और अब देखिए इसको बहुत ही टाइट गूंदना है, इसमें ना कोई मोयन डलता है, ना तेल और ना कुछ भी नहीं। बस इतना ध्यान रखिए इसे अब एकदम टाइट गूंदें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए एकदम टाइट गूंदना है, क्योंकि पापड़ में हम कोई पलेथन तो लेते नहीं हैं, कुछ भी नहीं ना, इसलिए पापड़ का आटा हमेशा टाइट होता है। और पापड़ क्या है, कुछ दिन रहते भी हैं, इसलिए नरम गूंदने से वो बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। अगर फिर भी अगर कभी आपका गलती से नरम हो जाएगा तो मैं आपको टिप बताऊंगी लास्ट में, आप मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि अगर कभी ऐसी गलती हो जाती है, मान लीजिए आपका आटा नरम हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो आप कैसे अपनी उस गलती को सुधार के अपने पापड़ को शानदार बना सकते हैं। ये देखिए हमारा आटा इतना, ये देखिए ऐसा ऐसा एकदम टाइट है। अब ये जो देखिए आपको जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, इसको भी मैं इसी में एब्जॉर्व करूँगी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपको बहुत टाइट गूंदना है, एकदम टाइट, क्योंकि नरम होगा ना तो ये आपके पापड़ बेलने में दिक्कत होगी बस। और ये देखिए पापड़ को गूंदने का तरीका, इसीलिए मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बता रही हूँ, वरना तो मैं आपको शुरुआत में थोड़ा पानी डालकर गूंदते हुए बता देती और पूरा डो तैयार बता देती, हो सकता था ना। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, ये देखिए पापड़ का आटा, क्योंकि उड़द की दाल रहती है ना तो वो आपके हाथ पे चिपक जाएगा और फिर लगेगा ना कि ये क्या हो रहा है खटर पटर, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह खुरपे का इस्तेमाल आप करिए और अपने हाथ पे लगे हुए आटे को छुड़ा लीजिए, और बस ये इस तरह से इसको इसमें आपको कर लेना है और अच्छा सा टाइट डो तैयार करना है। ये देखिए हमारा आटा तैयार हो गया है, अब इसको हम करीब 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे डो ने रेस्ट किया तो कैसा होगी, ये देखिए एकदम से तैयार हो गया है। अब ये देखिए एक हमामदस्ता है ना, इसको हमने उल्टा रख दिया, और ये हमारे पास ये तेल जो हमने थोड़ा सा इसमें से उंगली पे लेके इस पर लगा दिया है, और इसको हम इस पर रख देते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा है तो आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप इसे फर्श पर भी, फर्श को साफ करके उस पर भी तेल लगा के इस तरह कर सकते हैं। अब हम इस पर अच्छे से इसको कूट लेंगे, इससे क्या होगा इसमें लोच आएगी हमारे पापड़, जितना ही हमारी अच्छी कुटाई होगी ना तो हमारे पापड़ में उसी उतनी ज़्यादा लोच आएगी, तो इसलिए हम पहले इसको अच्छे से ये फोल्ड किया
फिर वापस डाला। इस तरह हम अच्छे से इसको कूटेंगे। ये देखिए अब हमारा अच्छे से कूट गया है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है। ये इसको हमें ना इस तरह फोल्ड करके इसको ये कर लिया। ये देखिए हमारा ये बढ़िया सा ये रेडी हो गया है। ये देखिए पानी का हाथ लेते गए और हमने इसको करते गए। ये देखिए अब इसके लूज देखिए आप कितना लंबा आ रहा है। पहले तो हमारा एकदम टूट रहा था ना, ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया। और मैं आपको कलर बताऊँ, ये देखिए कलर कितना हल्का हो गया। अभी इसे हमें करते हुए करीब 3 मिनट हुए हैं और ये देखिए इसका कलर इतना शानदार हो गया है, एकदम लाइट और बढ़िया और लोच देखिए इतनी फर्स्ट क्लास। और अब इसको हमें 2-3 मिनट और करना पड़ेगा, तब देखिए इसकी लोच भी और बढ़ जाएगी। हमारा इतना कड़ा आटा और कितना सॉफ्ट और कितना लचकदार हो गया है और रंग देखिए कितना इसका बढ़िया हो गया है। बस ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये इसमें हम थोड़ा सा ये तेल का हाथ लिया और इसको हम अच्छे से ये बढ़िया से इसको हम तैयार कर देंगे। ये देखिए हमने तेल का हाथ लेके इसकी अच्छी सी ये लोई तैयार कर ली है। इसको हम इस तरह चकले पे रख देंगे और इसको ये देखिए थोड़ा सा करके हम इसके ऐसे अच्छा सा हम एक रोल तैयार कर लेंगे। ये हमने एक रोल तैयार कर लिया और अब हम इसके पीसेस बनाएंगे। देखिए हमने एक मजबूत सफ़ेद धागा लिया है, इसको हमने इस तरह हल्का सा तेल का हाथ लगा दिया और इसको हम क्या करेंगे, इसका एक कॉर्नर को हमने अपने पाँव के अंगूठे पे लपेट दिया है और दूसरे ये देखिए इस मैंने इस तरह हाथ में लपेटा है इसको और ये टाइट। अब इसको हम इस तरह से इसके ये लोइयाँ निकाल लेंगे। ये लोई बनाने का बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है और इस तरह से लोइयाँ बहुत अच्छी बनती हैं। पापड़ के लिए लोई इसी तरह बनाई जाती है। ये हमारी सारी लोइयाँ तैयार हो गई हैं। अब इन लोइयों पे हम ये देखिए हल्का सा रैंडमली इस तरह हल्का सा तेल का हाथ हम इसे लगा देंगे ताकि ये लोइयाँ आपस में चिपके ना। बस ये हल्के से हमने ये कर लिया, बस इतना सा ही करना है। बस ये हमारी तैयार हो गई है और अब हम इसे इस तरह एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने चकले पे हल्का सा ये तेल लगा दिया और ये हमने एक लोई रखी है और अब हम इसे अच्छे से बेलेंगे। इसको हम पापड़ बेलते वक्त एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमें चारों तरफ एक सा हाथ से बेलना है, कहीं ज़्यादा दबा के और कहीं कम दबा के नहीं। जैसे ये हमारी छोटी सी बन गई ना, इसको हमने ले लिया, ये एक उंगली से मैंने हल्का सा तेल दोबारा लगा दिया है और इसे हमने वापस रख दिया और अब हम इसे बेलेंगे। अब इसे हम दोबारा बार बार उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब इसे हमें इस तरह हम अपने चकले को या थाली पे भी बेलते हैं पापड़, इस तरह चकले को घुमाते हुए हम इसे पूरा बेल लेंगे, पतला सा जितना हमें पापड़ चाहिए होता है। ये हमारा पापड़ देखिए पूरा तैयार हो गया है। अब हम इसे देखिए एक साइड से लेंगे और इस तरह से उठा लेंगे और ये देखिए इस तरह हम इसे सुखा देंगे। बस ये हमारा तैयार हो गया। इस तरह हम सारे पापड़ हमारे तैयार कर लेंगे और कोई साड़ी दुपट्टा किसी पर भी हम इस तरह से सुखा देंगे। अगर धूप में सुखाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करीब 10 मिनट में सूख जाएंगे। अगर धूप नहीं आ रही है कोई दिक्कत की बात नहीं है, 15-20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ये बहुत जल्दी सूखते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा पापड़ भी तैयार हो गया और ये हमने सुखा दिया। इस तरह हम हमारे सारे पापड़ बनाकर सुखा देंगे। ये देखिए हमारे सारे पापड़ तैयार हैं और अब ये देखिए मैं आपको बताऊँ, ये देखिए काफ़ी सूख चुके हैं। सिर्फ 2 मिनट बाद हम इसे उठा लेंगे और अंदर स्टोर कर लेंगे। अब ये देखिए हमारे सारे सूख चुके हैं और हम इनको ये इस तरह ये सारे हम उठा लेंगे। ये देखिए हमारे पापड़ कितने अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये पापड़ है ना बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं लेकिन ये हल्का सा ये मॉइस्ट है, लेकिन हमें ऐसे ही रखने हैं। इनको एकदम कड़क सुखा देंगे ना तो ये इतने अच्छे नहीं बनेंगे। बस इन्हीं को हम आप उठाइए और रखिए, लेकिन आप इसे बाहर रखेंगे ना तो शायद ज़्यादा दिन ना चलें। इसके लिए आप इन्हें बस ये उठाकर एक डब्बे में लेके
आप फ्रिज में रख दीजिए और जब चाहिए आप इसे निकाल कर तलिए। ये बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे ताज़ा बने हों। बस तो अब हम इन्हें तल लेंगे। अब ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये पापड़ डाल देंगे। ये देखिए, और ये हमारा देखिए फर्स्ट क्लास तल चुका। ये हमारा, ये देखिए हम इसमें निकाल लेंगे ना, इससे क्या होगा ये पापड़ तेल इसका एक्स्ट्रा है ना इसमें निकल जाएगा। और अब हम है ना ये नेक्स्ट हमारा डालेंगे, ये देखिए, ये देखिए कितने बढ़िया हमारे तल के तैयार हो रहे हैं। ये हो गया, अब हम इसे निकाल देंगे। इस तरह हम अपने सारे पापड़ तल लेंगे। ये हमारे राजस्थानी चने के पापड़ तैयार हैं। देखिए हमने इसे तल लिया है, लेकिन आप इसे सेक के भी खा सकते हैं, इनकी चूरी भी बना सकते हैं, इनकी सब्जी बना सकते हैं, कई चीज़ों में काम आते हैं। और इस पापड़ को तो कई तरह से खाया जाता है, लेकिन बनाया इसी तरह से जाता है। आप इसे बनाइए और खाइए, खिलाइए। सबसे ज़्यादा बढ़िया तो ये तले हुए लगते हैं, तो हमने देखिए ये तल लिए। और इसके बाद आप अपनी पसंद से जैसे चाहें खाएँ, लेकिन बनाएं ज़रूर। और हाँ, मेरा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, इसी तरह की ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के लिए और नई नई भी। इस रेसिपी की इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि इसमें दालों का रेशियो वही लेना है जो हमने आपको बताया है, उसमें आप गड़बड़ मत करिएगा। आपको अगर फ़र्क करना है तो सिर्फ आप मिर्च में कर सकते हैं, मसाला आप अपनी पसंद से ज़्यादा कम डाल सकते हैं, लेकिन और चीज़ें और मसाले बिल्कुल आपको इसी नाप से डालने हैं। और हाँ, इसके बाद इसको आपको कूटना बहुत अच्छा सा है और बांधना एकदम कड़ा है। और अच्छी से कुटाई करने के बाद आप इसको टूमेंगे, जिसको टूमना कहते हैं, जो हमने पानी का हाथ लेके इसको खींचा था ना, वो प्रोसेस आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। उसको जितना अच्छा करेंगे ना, आपके पापड़ उतने ही हल्के और बढ़िया बनेंगे। बस इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पापड़ हमेशा बढ़िया और शानदार बनेंगे। तो बस बनाइए और खाइए।